यहाँ तक कि ये भी सुनने में आता है कि कुछ समय पहले तक ये ट्राइब्स अपने कल्चर को बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रहती थी। यहाँ से मैं दसानेस ट्राइब से मिलने जा रहा था, लेकिन मुझे इन बच्चों से मिलने का मौका मिला। तो ये वो पल था। तो इनको सुबह ब्रेकफास्ट मिल जाता है, बच्चों को दोपहर का खाना मिल जाता है, यदि शाम को कोई डोनेट कर देता है तो ये बच्चे खा लेते हैं, अदरवाइज ये भूखे ही सोते हैं। ये बच्चे यहाँ पे ऐसे पानी पीते हैं, रिवर ओमो रिवर का पानी पीते हैं। यहाँ पे तो राय है आज की और दिन चल रहा है। आइए बका इथियोपिया, एक ऐसा देश जो अपने यूनिक ट्राइब्स को लेकर पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ की ट्राइब्स आज भी अपने पुराने रीति रिवाजों और कल्चर के साथ जी रही है। ये ट्राइब्स अपने कल्चर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यहाँ तक कि ये भी सुनने में आता है कि कुछ समय पहले तक ये ट्राइब्स अपने कल्चर को बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रहती थी, जैसे कि मुर्सी, सूरी, बन्ना, हमर, कारू, आरी, नांगातुम और भी बहुत सारी ट्राइब्स। और इन लोगों के लिए किसी की जान लेना बहुत बड़ी बात नहीं थी अपने कल्चर को बचाने के लिए। लेकिन इन जनजातियों के अलावा वहाँ मुझे एक अलग इथियोपिया देखने को मिला, वहाँ की गरीबी और वहाँ के बच्चों के बुरे हालात। आप लोगों ने यदि ये वीडियो पूरा देखा तो आखिर में आप लोगों की आंखों में आंसू जरूर होंगे। And as you saw, this is Omo River. Omo is a life of many people. Omo we use for drinking, for cooking, for fishing, fish, and for farming. Thanks God. अभी हम ओमो रिवर क्रॉस कर रहे हैं, जो कि इथियोपिया के ओमो वैली पार्ट में सिचुएटेड है। यहाँ से मैं दसानेस ट्राइब से मिलने जा रहा था, लेकिन मुझे इन बच्चों से मिलने का मौका मिला। ये यहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्कूल आप देख सकते हैं। यहाँ का स्कूल ऐसा होता है, कमरे जो लकड़ी के ही बनाए हुए होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर दे आर ऑर्फन्स। ओके, ऑर्फन्स। तो ये इनमें से ज्यादातर बच्चे होते हैं ना, वो ऑर्फन है, अनाथ है, जिनके देयर मदर पेरेंट्स डाइड इन फ्लड। या विद द रिवर फ्लड। रिवर फ्लड। या तो इनके क्या है कि माता पिता यहाँ का जो रिवर फ्लड ओमो वैली पास में है वहाँ पे फ्लड आता है, तो उसमें कभी खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए, तो उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो एजुकेशन आर फ्री फॉर देम। या ओके, तो इनके लिए एजुकेशन फ्री होता है यहाँ पे। एंड स्कूल मटेरियल्स दे जस्ट पीपल हेल्प्स। अब हम चलते हैं दूसरी क्लास की तरफ। यहाँ पे जो दसानेस ट्राइब के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे दूसरी क्लास में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे। नाउ वी आर गोइंग टू विजिट केजी स्मॉल किड्स। गेट इन। या गेट इन। स्टैंडर्ड इज दिस। या केजी। ये केजी के बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा कर रहे हैं, और मतलब कितने खुश हो गए मुझे देख के। सो as you saw, these kids they get helped by the teachers. Okay. Their food. After I will show you the place where they are eating, okay. Where they are cooking. Okay. So now here, as you saw, they don't have any things. Yeah. They get helping. They get help. Yeah, because they don't have any family. Okay. They stay full day here. They all are orphans. Yeah, orphans. That's why, as you saw, eh? Where they are still sitting to learn, they don't have even food, enough food. Half in a day, half food cover. This is look how they are drink their water. ये बच्चे यहाँ पे ऐसे पानी पीते हैं और आप देख सकते हैं कितना रिवर ओमो रिवर का पानी पीते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पानी है इनका यार। आप लोग देख सकते हैं पानी मतलब कितना गंदा, आपको देखने से ही लग रहा हो कितना गंदा पानी है। ऐसा बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। मतलब मैं सही में बिल्कुल लिटरली बता रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ। ये बोल रहे हैं कि ये केवल एक टाइम का खाना खाते हैं बस। टीचर्स लाइक अ मदर एंड लाइक अ फादर दे गेट टीचिंग दे गेट हेल्प
और ये ऐसे पढ़ाते हैं इनको, यहाँ पे टांग के रखते हैं, एक दो। इन बच्चों के हंसते हुए चेहरे देखकर लगता है कि इन लोगों को पता ही नहीं, इन बच्चों को पता ही नहीं है कि ये किन अभावों में जी रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने कभी बाहरी माहौल देखा ही नहीं है। बाहरी माहौल क्या होता है, बाहर कैसी दुनिया है, ये लोग कभी जाने पहचाने ही नहीं है बाहरी दुनिया के बारे में। ये बच्चा है जो गिनती बोल के बता रहा है। एक्चुअली यार अभी मेरे पास इन बच्चों को देने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है, एक्चुअली मैं केस कम ही लाया था, मैं बाद में इन बच्चों की मदद करूँगा। आई विल हेल्प दीज चिल्ड्रन दीज ऑर्फन चिल्ड्रन लेटर, राइट नाउ आई डोंट हैव मच मोर मनी, सो व्हाट एवर आई हैव आई एम गिविंग फॉर दीज चिल्ड्रन। ओके आइए बका, शी सेड थैंक्स अ लॉट, सो आई विल हेल्प लेटर। शी इज नॉट ओनली टीचर, शी इज द मदर ऑफ दीज चिल्ड्रन। जो इनको आप मदर कह लो, टीचर कह लो, कुछ भी कह लो, इन बच्चों की सब कुछ यही है। इन सब बच्चों की जो ऑर्फन बच्चे, इनकी सबकी देखभाल करना, उनको पढ़ाना, उनको खाना खिलाना, सब कुछ इन्हीं का है। तो मुझे सही बता रहा हूँ, काफ़ी अंदर से दिल बहुत दुख रहा है मेरा बहुत। और ये वो पल था जिसे मैं अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन पल बता सकता हूँ, क्योंकि इन बच्चों के चेहरों पर खुशी देख के मुझे वो खुशी फील हुई, वो खुशी महसूस हुई जो मुझे आज से पहले कभी भी महसूस नहीं हुई। ये बच्चे इतने खुश हैं कुछ भी ना होने के बावजूद। They play here for 15 minutes and they will back. Okay. So let me take you to the kitchen where they cook for them. Okay, okay. तो अब हम इन बच्चों के जो जहाँ पे इनका खाना बनता है वहाँ पे लेके चलता हूँ आपको, जहाँ पे इनका खाना बनता है वहाँ पे चल रहे हैं। ये क्या क्या खाते हैं अभी थोड़ा सा, एक्चुअली मुझे देख के ही मालूम चल रहा है कि इन बच्चों की हालत देख के कि ये क्या खाते हैं उनके बेचारे, इनके पास कुछ नहीं है। ये देख, ये इन बच्चों की प्लेट है जिसमें खाना खाते हैं। Reality is good. Yeah. ये किचन है यहाँ पे इन बच्चों का, अब आप देख सकते हैं क्या खाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार क्या बन रहा है अभी। What is porridge? What? Porridge. Porridge? Yeah. What is porridge? Porridge is a food. Porridge is a food. Yeah. For the kids to eat. Okay, okay. They're eating. Okay, okay. ये इन बच्चों का खाना बन रहा है राइस, राइस, राइस। ये इन बच्चों का खाना बन रहा है राइस, राइस विद द ब्रेड एंड टी आफ्टर लंच। ओके द लंच, सो लंच ब्रेकफास्ट लंच इज हियर, ब्रेकफास्ट एंड लंच इज हियर, या हियर एंड डिनर, डिनर इफ दे गॉट, if they got, yeah, if someone come with the food, someone donate, someone give them, they and they get lunch, otherwise they will sleep, yeah, without having food, without anything, because it's hard to cover what it has in, only for breakfast and lunch. Okay, dinner is a lack of. What's your name? Vijayne. 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 Yeah. ये स्कूल के डायरेक्टर हैं. So this is your room. Yeah. Get in. Get in. Okay. यहाँ पे मैं इनको पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे लगभग 250 बच्चे हैं इस स्कूल में. 250 में से हाफ, मतलब आप ही मान के चलो कि 125 बच्चे ऑर्फन हैं. और टीचर्स को सैलरी मिलती है केवल
3000 या 3500 बीर, मतलब आप ही मान के चलो कि 4500 आपने इंडियन रुपीज में मान के चलो तो 4500 या 4500 के लगभग सैलरी मिलता है इनको। ये फूड कुछ गवर्नमेंट देती है, कुछ ये टीचर्स हैं जो खुद की सैलरी से मिलाते हैं, और कुछ जो मेरे जैसे या आपने जैसे विजिटर्स हैं जो कुछ डोनेट कर देते हैं बच्चों के लिए, कुछ उनसे मिल जाता है। तो इनको सुबह ब्रेकफास्ट मिल जाता है बच्चों को, दोपहर का खाना मिल जाता है, यदि फिर शाम का कोई पता नहीं, यदि शाम को कोई डोनेट कर देता है इनको फूड वगैरह दे देता है तो ये बच्चे खा लेते हैं, अदरवाइज ये भूखे ही सोते हैं ये बच्चे। मैं कहूँगा काफ़ी बुरी कंडीशन है, सब लोगों को आगे आना चाहिए और ऐसे बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, मतलब कितने अभाव में जी रहे हैं ये बच्चे यहाँ पे, तो काफ़ी मुश्किल है बच्चों के लिए। और कपड़े किसी के तन पे आपने देखे होंगे कि किसी के भी तन पे कपड़े नहीं है, बिना कपड़ों के सारे बच्चे हैं, ये कैसे जीते हैं कैसे क्या करते हैं मेरी समझ से बाहर है, लेकिन बहुत अभाव में ज़िंदगी निकाल रहे हैं अपनी, काफ़ी अभाव में बहुत, मतलब कितना आप ये बच्चे जूझ रहे होंगे अपनी ज़िंदगी से, इनको शाम का खाना नहीं मिलता तो कैसे अपना टाइम काटते होंगे, शाम को भूखे सोते हैं बेचारे। मैं तो एक दिन सही बता रहा हूँ, एक दिन भूखा रह जाऊँ ना तो मुझे शाम को नींद नहीं आती। That's why you know the teachers, it's not like a teacher, like a part of their family. Yeah. Look, no one will not do this way helping the others, need for himself. And these children, you know, they are good for the country. Yeah. If they get good care of. Yeah, they are the future of country. Yeah. 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 Right. ሁላችን መሮጥ ካለብን ሮጠን ልጆቻችንን ጠግበው በልተው ተደስተው ለብሰው እንዲኖሩ ነው ማመቻቸት ያለብን። ሊትል ቢት አማውንት አይ ሃቭ ጊቭን ቱ ዲስ ማን ኤንድ ሊትል ቢት አይ ሃቭ ጊቭን ቱ ዩ ባት ራይት ናው አይ ዶንት ሃቭ ኢን ኬስ ኦኬ ሶ አይ ዊል ሄልፕ አፍተር ጎይንግ ቱ ኢንዲያ। और ये इन बच्चों का भी लंच टाइम चल रहा है, तो ये लोग सारे बच्चे हैं ना यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये इनका फुटबॉल का ग्राउंड है, ये सारे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये था, अभी मैं दसानेस ट्राइब से मिलने जा रहा था तो रास्ते में मुझे ये स्कूल विजिट करने का मौका मिला, तो देखते हैं यार मैं क्या कर पाता हूँ इनके लिए क्या नहीं कर पाता वो तो मैं अभी नहीं कहूँगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा, मतलब एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाएँ। तो फिर मिलता हूँ किसी एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।